अगर आप में से कोई ध्यान के मार्ग को समझना चाहता है और उस पर चलना चाहता है और कुछ ऐसा जानने के लिए इच्छुक है जो बातें किताबी दुनिया से बाहर है, तो आप द ओनली वन कम्यून के मेडिटेशन सेंटर आ सकते हैं और उनके फ्री मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उनके मेडिटेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो आज तक की टीम लाइफस्टाइल की सभी वीडियोस में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट रिसर्च है। आपने आज सुबह जो फल खाए थे और उसके बाद दिन में जो सब्जियां खाई, उसमें कौन कौन से जहर या कहीं पेस्टिसाइड्स डाले जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? हमारे देश की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी? जी नहीं। या फिर हमारे देश की सरकार होगी? जी बिल्कुल नहीं। फिर आप कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, हमारे खाने में कौन सा जहर डाला जा रहा है वो सरकार डिसाइड ही नहीं कर सकती। जी हाँ, ये सारे डिसीजंस अधिकतर देशों के लिए, जो जो देश WTO के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए लिए जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। और FAO ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके साथ मिलकर एक रूल बुक निकाली है जिसका नाम है कोडिक्स एलिमेंटेरियस। ये रूल बुक डिसाइड करती है कि कौन से फलों को रेडिएशन से ट्रीट करना है और कौन से फल को नहीं। और आपको जानकर धक्का लगेगा कि दुनिया के सारे फलों को रेडिएशन से ट्रीट करना है, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फूड। क्या आप कुछ गलत सुन रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, सब सही सुन रहे हैं। यही बुक डिसाइड करती है कि जानवरों को, जो लोग अंडा मीट दूध पीते हैं, वो लोग ध्यान से सुने कि बोवाइन एनिमल्स को कंपल्सरीली ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने ही लगाने हैं। क्या ये बात आप गलत सुन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि फिलहाल तक हमारे देश में ये ग्रोथ हार्मोन वाला सीन बैन है, लेकिन साथ ही हमारे देश की सरकार ने इरेडिएशन अप्रूव कर रखा है, यानी कि अनियंस, पोटेटोस, फल, सब्जियां, स्पाइसेस और एक्सपोर्ट होने वाले सभी फूड आइटम्स को इरेडिएशन से गुजरना है। और एक्सपोर्ट ही नहीं, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। अब जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें लग सकता है कि तो क्या हुआ, कोई विदेशी कंपनी रूल बना रही है हमारे देश के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब ये हमने इस वीडियो में बता दिया कि विदेशियों के रूल्स बनाने से क्या दिक्कत है, खासकर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वॉल्व है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट में पूछिए, और मैं आग्रह करूंगी अपने पुराने मित्रों से कि जिसके मन में भी ये सवाल उठता है, तो आप कमेंट बॉक्स में नए मित्रों को प्रेम पूर्वक समझाएं। ये दो रूल्स जो आपने सुने, पहला, दुनिया के हर एक फूड आइटम को रेडिएशन से पास करना, और दूसरा, बोवाइन एनिमल्स को ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाना, ये जबरदस्ती देशों पर थोपे जाते हैं। और ये इतनी डरावनी बात नहीं है जितनी डरावनी बात वो है जो आज आप जानेंगे। और ये बातें आज 2021 में हर एक इंसान का जानना बेहद ही जरूरी है। आप ये कोडवर्ड स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए, अब आगे की वीडियो में इसी कोडवर्ड का इस्तेमाल होगा। IARC के रिपोर्ट के हिसाब से लाखों लोग जिनको कैंसर हुआ और वो लोग कोर्ट में केस फाइल करके जीत गए, इन लाखों केसेस के हिसाब से, बड़े बड़े साइंटिस्ट के हिसाब से, ग्लाइफोसेट, जो कि खेती में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही फेमस हर्बिसाइड है, उससे कैंसर होता है। ये ओपन फैक्ट है और ये डिबेट का विषय भी नहीं है। लेकिन ये CD कोड्स, इनके हिसाब से ग्लाइफोसेट को खुलेआम इस्तेमाल करना चाहिए। मोनसेंटो नाम की कंपनी जो कि ग्लाइफोसेट बनाती है, ये कंपनी $9 बिलियन का कॉम्पनसेशन दे चुकी है क्योंकि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी CD कहता है कि ग्लाइफोसेट इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, CD कहता है सारे खाने को, फल, सब्जियां, आयुर्वेदिक हर्ब्स, स्पाइसेस को कंपल्सरली रेडिएशन से पास करना चाहिए। कौन सी रेडिएशंस? X-rays और गामा रेस। CD कोड्स का कहना है कि इससे हम पेस्ट और जर्म्स खत्म कर देंगे खाने में, और फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि खाना जल्दी सड़ेगा नहीं। अब ये सब कैसे रूल्स हैं? आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप बताओ क्या है ये सब? और ऐसे ही बेहद ही अजीब और इतने डरावने कंपल्सरी रूल्स बनाए हैं कि जब आप ये रूल बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके मुंह में जाने वाला एक एक निवाला कंट्रोल करता है CD। कितना न्यूट्रिशन एक फल में होना चाहिए ये भी डिसाइड करता है CD।
किस तरह न्यूट्रिशन कम करना है, कितना कम करना है, ये भी डिकोड करता है सीडी। सुनने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि खाने में से न्यूट्रिशन कैसे कम हो सकता है ना। अब किसी किसी इंसान को ये भी लग सकता है कि रेडिएशन से पास करना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों हम आपको रिसर्च पेपर की सहायता से बता रहे हैं कि रेडिएशन से भोजन पास करना बेहद ही कैंसरस है, क्योंकि रेडिएशन फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। रिसर्च पेपर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप हर हाल में पढ़ें। और ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि रेडिएशन कितनी हानिकारक हो सकती है अगर भोजन में रह जाए। अब फाइनली हमेशा की तरह ये दो सवाल बच जाते हैं कि ये सब जब टीम लाइफस्टाइल को पता है, आज आपको पता चल गया, तो क्या ये सब सरकार को नहीं पता? दूसरा सवाल, क्या सरकार हमें जानबूझकर बीमार बनाना चाहती है और चाहती है हमें कैंसर हो जाए? क्योंकि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सारे जहर को अप्रूव कर चुकी है, और सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं, डोमेस्टिक यूज के लिए भी। और ये लाइन पढ़िए आप, इरेडिएशन ऑफ फूड इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, ये FSSAI का बयान है। दोस्तों असल में WTO ने ये CD के रूल्स हमारे देश के लिए मजबूरी बना दिया है। नाम के लिए ये रूल्स वॉलेंट्री है, लेकिन SPS अग्रीमेंट के तहत जो भी देश WTO का मेंबर है उसे जल्द से जल्द इन कोड्स या रूल्स को अपना लेना है। आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि कोई देश ये रूल्स ना फॉलो करे तो क्या होगा, तो आपको बता देते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यूरोपियन यूनियन बहुत बार ये CD के रूल्स फॉलो नहीं करती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने 1996 में डिसाइड कर लिया था कि वो ये हार्मोन ट्रीटेड बीफ इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर WTO के बाकी मेंबर कंट्रीज ने EU के सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। इंडिया के साथ भी यही हो चुका है, 2007 तक इंडिया अपने मैंगोज USA को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मैंगोज इरेडिएटेड थे, यानी कि उन्हें रेडिएशन से पास नहीं किया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि WTO किसी भी देश की इकोनॉमी को कितना इजीली डैमेज कर सकती है सैंक्शंस लगा लगा के, अगर उसकी बात नहीं मानी तो। एट प्रेजेंट दुनिया में वर्ल्ड बैंक की सबसे ज्यादा उधारी हमारे देश पर है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF और ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम नहीं ले सकते, दुनिया के सभी देशों को उधारी में रखकर बहुत इजीली कुछ भी करवा रही है। आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग MOU पढ़ सकते हैं, आपको सारी बात समझ आने लगेगी। आप लोग और भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, क्योंकि ये जागरूकता फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप इंटरनेशनल षड्यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए IMPH नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए द फाइनल गेम इस नंबर पर, क्योंकि अभी आप नहीं जुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि डूबने के बाद तैरना नहीं सीखा जा सकता। दोस्तों IMPH मेंबर प्रोफेसर मोक्ष बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं हमारे देश के ज्ञान को फैलाने में, नॉलेज स्प्रेड करने में। आप इनका साथ दें, ये रहा इनका चैनल, आप इनका चैनल अवश्य देखें, और जो भी लेटेस्ट वीडियोस आप इनसे चाहते हैं वो आप इनके कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए।